भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश में आधारहीन तथ्यों से विहीन बयानबाजी करके प्रदेश में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पिछले कल कांग्रेस के एक नेता ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले को उलझाने का प्रयास किया है, ये उनकी नीयत पर शक पैदा करता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि 2018 में जब से इस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामला उजागर हुआ है, प्रदेश सरकार ने SIT का गठन करके जांच शुरू करवाई है। ये जांच व्यापक स्तर पर चल रही है, यहाँ तक कि फर्जी डिग्री की जांच करवाई गई है। इसके अलावा जांच के दौरान उनके मालिक के ऊपर भी अधिक संपत्ति के मामले पाए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 197 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, हालांकि उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिली है। रणधीर शर्मा ने कहा कि फर्जी डिग्री मामले में सरकार ने पूरी तरह से जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इस मामले में व्यापक स्तर पर जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री मामले की जाँच CBI से करानी चाहिए। यह सरासर इस मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर जांच कर रही है और भाजपा की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी पर भाजपा काम करती है। उन्होंने कहा कि इस मामले को कांग्रेसी नेताओं के द्वारा उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला 2012 से लेकर 2017 का है। उस समय फर्जी डिग्रियां बांटी गई थी, उसमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इस मामले को कांग्रेसी नेता उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि व्यापक स्तर पर जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता नित नए मुद्दे को लेकर तर्कहीन निराधार आरोप लगाकर जहां एक और प्रदेश में सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पिछले कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले को उलझाने का प्रयास किया है, ये उनकी नीयत पर शक पैदा करता है, क्योंकि 2018 में जब से इस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों के मामले की शिकायतें प्रदेश सरकार को मिली, प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल SIT का गठन करके इसकी जांच शुरू करवाई, उसकी जांच चल रही है, उनकी संपत्ति की जांच कराई, उनके मालिक पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप साबित हुए, 197 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और उनको गिरफ्तार किया गया, माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली है, परंतु मामला चला है, फर्जी डिग्रियों की जांच चली है, इसलिए इसके बीच इस तरह की बयानबाजी कि भाई ये जांच CBI को दे दो, ये मामला उलझाने का प्रयास है, क्योंकि ये जो फर्जी डिग्रियां बांटी गई हैं ये 2012 और 2017 के बीच ही बटी हैं और उस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, इसलिए हमें शक होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की बजाय उसको उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, ना कोई गलत किया है ना गलत सहन किया है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती, कोई मामला ध्यान में आया सरकार ने तुरंत जांच की, जो दोषी पाया उस पर कार्रवाई की, ये जीरो टॉलरेंस भाजपा सरकार की हमेशा रही है और इस मामले में भी रहने वाली, इसलिए मेरा आरोप है कांग्रेसी नेताओं पर कि वो इस तरह की बयानबाजी करके अपनी जो नेतृत्व की जंग है उसको मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं, क्योंकि एक नेता एक बयान देता है तो दूसरा उससे आगे बढ़कर बयान देता है, क्योंकि उनमें नेतृत्व की जंग है। हिमाचल की जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता हिमाचल सरकार की नीतियों से योजनाओं से
संतुष्ट है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार के पंचायती राज चुनाव में हिमाचल की जनता ने 70% से अधिक जो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाया है।